नमस्कार, मैं आयुषी और आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास और नई खबरों पर। उत्तराखंड में कोरोना का डर, सोमवार को 18 नए संक्रमित मिले, एक मरीज की मौत, घटकर 342 हुए एक्टिव केस। सोमवार को प्रदेश में चंपावत, पौड़ी और टिहरी जिले में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है। वहीं संक्रमितों का रिकवरी रेट 95.98% पहुंच गया है। इंडियन आइडल 12 विनर पवनदीप ने 1.5 साल की उम्र में थाली पर बजाई थी पहली ताल। पिता के संघर्ष ने ऐसा दिलाया मुकाम। उत्तराखंड के चंपावत जिले के उभरते युवा गायक पवनदीप राजन ने इंडियन आइडल शो के 12वें सीजन के विजेता का खिताब हासिल किया है। शो में पवनदीप इकलौते ऐसे प्रतिभागी थे जो विभिन्न तरीके के वाद्य यंत्र बजाते थे। उत्तराखंड पुलिस ग्रेड से जुड़ी खबर। मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक, संपन्न कैबिनेट के सामने रखी जाएगी फाइनल रिपोर्ट। पुलिस ग्रेड पे के मामले पर प्रदेश मंत्रिमंडल ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में उप समिति का गठन किया है। उत्तराखंड आएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, करेंगे महत्वपूर्ण घोषणा। अपने ट्वीट में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी कल एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रही है। उत्तराखंड की प्रगति और विकास के लिए ये घोषणा एक मील का पत्थर साबित होगी। फ्री बिजली मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस को आपकी चुनौती, खुली बहस के लिए आमंत्रित। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब से प्रदेश के हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रतिमा देने की बात कही, तब से भाजपा व कांग्रेस में खलबली मची हुई है। चीन सीमा के नजदीक चिनियाली सौड़ हवाई अड्डे पर उतरा वायुसेना का AAN-32 विमान। भारत चीन सीमा से लगे उत्तरकाशी जनपद में चिनियाली सौड़ हवाई अड्डा सेना के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि इसे वायुसेना के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के रूप में विकसित करने की तैयारी है। सिलेंडर में लीकेज होने से घर में लगी भीषण आग, बुझाते समय मां बेटी बुरी तरह झुलसी। बताया जा रहा है कि घटना शाम करीब 4 बजे की है। एक घर में गैस सिलेंडर में लीकेज हो रही थी, इसी दौरान वहां सिलेंडर में आग लग गई। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट आज पहुंचेंगे देहरादून, निकाली जाएगी जन आशीर्वाद यात्रा। यात्रा डॉट काली मंदिर से शुरू होकर महानगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई शाम करीब 6:30 बजे प्रदेश भाजपा मुख्यालय पहुंचेगी। इस आशीर्वाद यात्रा के दौरान महानगर मंडल तथा वार्ड के भाजपा कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड में चंपावत पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अमौड़ी में नहीं किया एक भी ऐलान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात के संकेत दिए हैं कि निकट भविष्य में अमौड़ी राजकीय डिग्री कॉलेज के विषय से लेकर सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। इंडियन आइडल 12 विनर पवनदीप चुने जाने के बाद उत्तराखंड में जश्न, मुख्यमंत्री ने दी बधाई। इंडियन आइडल 12 में पवनदीप के विजेता चुने जाने के बाद उत्तराखंड में जश्न का माहौल है। उन्हें इनाम में लग्जरी कार और 25 लाख रुपए भी मिले हैं। सोशल मीडिया पर बधाइयों का दौर चल रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर पवनदीप को बधाई दी है। उत्तराखंड में अनलॉक, सोमवार से खुले 5,000 से अधिक जूनियर हाई स्कूल, किया जा रहा है कोविड गाइडलाइन का पालन। बता देगी प्रदेश में 2,618 सरकारी जूनियर हाई स्कूल हैं, 206 सहायता प्राप्त 12 अन्य सरकारी एवं 2,616 निजी स्कूल हैं। उत्तराखंड कोरोना कर्फ्यू, सरकार ने 24 अगस्त तक बढ़ाया कोरोना कर्फ्यू। सोमवार को जारी की गई SOP। उत्तराखंड कोविड गाइडलाइंस में मुख्य सचिव एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने कोविड कर्फ्यू के संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिए। SDRF के राजेंद्र नाथ और CBTS की 4 सदस्य टीम ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस को किया फतेह। राजेंद्र नाथ ने 12 अगस्त को बहुत खराब मौसम में यूरोप महाद्वीप स्थित सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस को फतेह करके इतिहास रचा है। सितंबर में घसियारी कल्याण योजना शुभारंभ करेंगे केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह। घसियारी कल्याण योजना से प्रदेश के पर्वतीय ग्रामीण इलाकों की करीब 3 लाख महिलाओं के कंधे का बोझ कम होगा। इस योजना के तहत उन्हें उनके गांव में ही पैक्ड साइलेज, सुरक्षित हरा चारा और संपूर्ण मिश्रित पशुहार उपलब्ध होगा। उत्तराखंड में रोजगार को बेहतर जरिया बनेंगे चारधाम यात्रा मार्ग के डंपिंग जोन। बता
बता दें कि चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना की परिकल्पना के साथ ही डंपिंग जोन से विकसित होने वाली भूमि इस उपयोग की योजना पर काम किया जा रहा था। ऐसी ही नई और खास खबरों को सुनने के लिए, देखने के लिए जुड़े रहें राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।